स्टूडेंट ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले आप ये देखिए इसके कॉलम कौन से होते हैं, कैसे बनता है, कौन से एक्सपेंसेस डलते हैं, क्या क्या आइटम डलते हैं इसमें, ठीक है। फॉर्मेट कैसे होगा इसका, दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कॉलम कौन से होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में खर्चे डलेंगे और क्रेडिट साइड में क्या होगा, हमारी जो भी सेल्स वगैरह होंगी, स्टॉक होगा क्लोजिंग वाला, वो डल जाएगा। डेबिट साइड में कौन से खर्चे डलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो सब डेबिट साइड में डल जाएंगे। परचेज और ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस डेबिट में डल जाएंगे। क्रेडिट साइड में आपकी सेल्स, और कोई भी सेल्स रिटर्न दे रखी है तो सेल्स में से माइनस कर दो, परचेज रिटर्न दे रखी है तो परचेज में से माइनस कर दो, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर आपका लिखा है 10,000 की परचेज, ठीक है, और परचेज रिटर्न दे रखी है 1,000 की क्वेश्चन में, तो आपकी बाहर आ जाएगी 9,000, क्योंकि 10,000 में से 1,000 माइनस कर दोगे तो 9,000 आपकी परचेज आ जाएगी। भाई परचेज आपने 10,000 की परचेज करी थी, माल खरीदा था 10,000 रुपये का, और उसमें से 1,000 रुपये का आपने लौटा दिया, परचेज रिटर्न यानी खरीदा हुआ माल वापस करना, तो आपने 1,000 का लौटा दिया तो आपकी खरीद तो 9,000 की रह गई ना। इसी तरीके से आपने माल मान लीजिए बेचा 20,000 रुपीज़ का, और 20,000 में से 1,000 की सेल्स रिटर्न आ गई, मतलब 20,000 का माल बेचा था, 1,000 का वापस आ गया, तो आपकी टोटल जो सेल हुई वो तो 19,000 की हुई ना, तो इस तरीके से माइनस करते हैं। तो जो भी सारे के सारे खर्चे हैं वो डेबिट में डाल दो, और जो भी हमारी सेल्स वगैरह है, स्टॉक है, वो सब आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, जिस तरफ का भी टोटल ज़्यादा है। मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, सेल्स भाई जहाँ, वैसे भी आप ये समझ लो अगर बिक्री ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सेल ज़्यादा होगी खर्चों से तो प्रॉफिट ही होगा, और खर्चे ज़्यादा हैं, सेल कम है, तो लॉस होगा। तो अगर हमारा टोटल सेल वाली साइड का ज़्यादा है, मान लो हमारा टोटल इधर का ज़्यादा आ रहा है, इधर का आ रहा है हमारा 10 लाख, और इधर का भी आ रहा है, इधर का आ रहा है हमारा 9 लाख, इधर का 10 लाख है डेबिट क्रेडिट साइड का, और इधर का 9 लाख है, तो हमारा 1 लाख का बैलेंस इधर बचेगा, इधर की साइड बचेगा, और क्या बचेगा, प्रॉफिट वाला, क्योंकि हमारी सेल ज़्यादा है, और जब सेल ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट आता है। तो हमारा दोनों साइड आप 10-10 लाख लिख दो, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि इधर का आपका 9 लाख का आ रहा है और इधर का आपका 10 लाख का आ रहा है, तो 10 लाख में से 9 लाख माइनस करोगे तो 1 लाख का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन सपोज़ करो इधर का ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा है, यहाँ का 10 लाख है और यहाँ का, इधर का हमने सबका जोड़ लिया तो 9 लाख आ रहा है, तो अगर आपने डेबिट साइड का ज़्यादा आ रहा है टोटल 10 लाख, और क्रेडिट साइड का टोटल 9 लाख आ रहा है, तो उस केस में ग्रॉस लॉस हो जाएगा। तो हमारे डेबिट साइड में जो भी होंगे वो 2 लिखे जाएंगे और क्रेडिट साइड में 2 लिखे जाएंगे। क्रेडिट साइड यानी सेल वाली तरफ का टोटल अगर ज़्यादा है तो उधर दोनों साइड लगा के टोटल को और बैलेंस निकाल दो डेबिट में, प्रॉफिट वाला बैलेंस, और अगर खर्चे वाली साइड का टोटल ज़्यादा है तो फिर आप दोनों साइड टोटल लगा के क्रेडिट वाली साइड क्या करेंगे, लॉस का यहाँ पर लिख देंगे, बाय ग्रॉस लॉस, इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि हमारा इधर का टोटल ज़्यादा है, तो इधर का ज़्यादा है तो दोनों साइड इधर का, यहाँ भी 10 लिख दो, यहाँ भी 10 लिख दो, और इधर का ऐड करके यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। क्वेश्चन का बताऊंगी मैं आपको, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली पहले आप क्या समझेंगे, पहले आप आइटम समझ लीजिए। ओपनिंग स्टॉक, भाई जब कोई बिजनेस में स्टार्ट हुआ होगा तो ओपनिंग स्टॉक कितना था, खरीद कितनी हुई, वापस कितना किया, खर्चे कौन कौन से, मजदूरी दी, वेजेस एंड सैलरीज दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज लाने, माल को लाने ले जाने का जो भी चार्जेस दिए, गैस फ्यूल डलवाया, जो भी खर्चे हुए वो सारे डेबिट साइड में आ गए। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए, परचेज से, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हैं डेबिट साइड में आ गए, और हमारी जितनी भी सेल्स है या सेल्स रिटर्न माइनस करके आ गया, फिर उस पर क्लोजिंग स्टॉक हमारा माल कितना बचा वो यहाँ लिख दिया, और उसके बाद टोटल लगा दिया। बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगी, जिस साइड का टोटल कम होगा, और दूसरी साइड वाला टोटल ज़्यादा वाला, दोनों साइड लग जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यही है।